दोस्तों, हाल ही में एक लैपटॉप योजना यूपी सरकार ने चलाई है, जिसके तहत आपको लैपटॉप वितरण होने वाले हैं। आप लोग जान लीजिए इस पर कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। तो आइए जानते हैं, पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लें, फिर जानेंगे कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। तो इस योजना को अप्लाई करने के लिए आपको आधार कार्ड और निवास, 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट है वो लगेगी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपकी लगेगी और आपका मोबाइल नंबर। इतना तो आपके सामने क्लियर हो चुका है कि इस पर आपको क्या क्या लगने वाला है। मैंने सभी दस्तावेज आपको बता दिए हैं बारी बारी से। अब हम जानेंगे कि कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है। ये बहुत ही जल्द आने वाली है, तो आप लोगों के पास अगर कागज़ नहीं है, जो दस्तावेज है वो नहीं है, तो आप उनको कम्प्लीट करवा के रख लीजिए। आपको किसी भी दिन ज़रूरत पड़ सकती है और आप इसको, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि जो योजना है इसको कौन कौन ले सकता है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को फटाफट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम जानेंगे इसकी पात्रता क्या है। पात्रता है दोस्तों, यूपी की लैपटॉप योजना 2021 के लिए अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। इसके साथ ही 10वीं और 12वीं ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट पास होना ज़रूरी है, वही लोग अप्लाई इसे कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि यह योजना 2021 में ही होने वाली है। योजना का नाम है यूपी फ्री लैपटॉप योजना। यूपी सरकार द्वारा यह घोषणा किया गया है। विद्यार्थी की संख्या, जिसमें 1 करोड़ का उद्देश्य रखा गया है, 1 करोड़ विद्यार्थियों को ये आपको मिलने वाला है। तो आप लोग अपने दस्तावेज कंप्लीट करके रखिए, ताकि आप लोग को भी ये योजना का पूरा लाभ मिल सके। वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, सभी को शेयर करें। हालांकि ये योजना अभी आई नहीं है, लेकिन जब आएगी तो हम इसकी नई अपडेट आपको तुरंत देंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए।